क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मिस्टर राव और तुम्हारे बीच में जो बातें हुई वो मुझसे या मेरे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखती? नहीं रखती है, एक ऐसी बात है जो नहीं। मैं कल की मीटिंग अटेंड करूंगी, तुम जो चाहो कर सकते हो। बेचकर अब पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया? ये इल्जाम भी तेरा गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि मैंने फोटो ऋषभ मल्होत्रा को नहीं देविका को बेचे। That's what I thought. माना, इस बात का बदला मैं तुमसे लूंगी। नहीं देविका, बदला मैं तुमसे लूंगी। ये सिर्फ शुरुआत थी। स्वेतलाना किसी हालत में मुझे अपना वोट नहीं देगी। कल सारे पेपर्स की हेडलाइंस में आएगा, केशव मल्होत्रा सन लूजेस इलेक्शंस। हेलो, यस मिस्टर खन्ना, एक मिनट मिस्टर खन्ना, ऑनलाइन तुम कुछ भी कहो शीला, हम बैंकर्स और स्वेतलाना पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या हो गया महेंद्र अचानक में? जो वो यकीनन हमारे हैं उन्हें क्यों ठुकरा रहे हो? मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है और अपने एक्सपीरियंस के बल पर मैं कह सकता हूं कि हम इन दोनों पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते, खासतौर बैंकर्स पर। और इस वक्त ऋषभ उनसे बात करना, उन्हें अपनी साइड में लेने की कोशिश में लगा। इम्पॉसिबल, ऋषभ किसी के सामने हाथ जोड़कर विनती कर ही नहीं सकता, इतना घमंडी है वो। ऋषभ घमंडी जरूर है, लेकिन चेयरमैन बनने की ख्वाहिश उसके जहन में बहुत स्ट्रांग है। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। मैं मानती हूँ कि वो इस वक्त बैंकर से बातें कर रहा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानेंगे। तुम यकीन के साथ कैसे कह सकती? मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। ये बहुत ही दतियानुसी और पुराने ख्याल के लोग, ये उन लोगों में से है जो ये मानते हैं कि तजुर्बे की ही जीत होती है। ऋषभ की जवानी उसके खिलाफ जाएगी, वो वोट तुम्हें देंगे क्योंकि तुम ऋषभ से बड़े हो और तुम्हें कंपनी में ज्यादा एक्सपीरियंस है। पैसे की ताकत को मत भूलो शीला, अगर ऋषभ स्वेतलाना के शेयर्स खरीदने के लिए लाखों रुपया खर्च कर सकता है तो क्या इन बैंकर्स के वोट हासिल करने के लिए क्या वो पैसा खर्च नहीं करेगा? अगर उसने ऐसा किया ना, ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये दोनों उसूल के बहुत पक्के हैं और रिश्वत के तो नाम से भी इन्हें नफरत है। तुम कैसे कह सकते? महेन, इस इलेक्शन में जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं ना, मैं उन सब के बारे में जानकारी रखती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन स्वेतलाना? अच्छा महेन, तुम ही बताओ, अगर तुम स्वेतलाना की जगह होते और ऋषभ तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करता जैसा उसने स्वेतलाना के साथ किया है, तो क्या तुम ऋषभ को वोट देते? नहीं, पर कुछ नहीं, तुम उसे कभी वोट नहीं करते। तो जस्ट रिलैक्स, हारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ शीला, लेकिन न जाने क्यों मुझे नहीं लगता कि मैं इलेक्शन में। पता है नहीं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम बहुत जल्दी नर्वस हो, थोड़ी देर बाद इलेक्शन है और इसीलिए ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये इलेक्शन जरूर जीतोगे। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ यू। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, आपने मुझे फोन किया? जी हाँ, वो कहिए क्या बात है। मिस्टर खन्ना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने और मिस्टर वर्मा ने आज के इलेक्शन में किसको वोट करने का फैसला किया? मिस्टर ऋषभ, सच पूछे तो ये बताना गलत होगा, इट्स अगेंस्ट द एथिक्स। मैं ये जानता हूँ सर, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा को वोट करने का फैसला किया। आप जानते हैं तो पूछने की क्या जरूरत है? बस कंफर्म करना चाह रहा था। और खन्ना साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना फैसला बदल लें।
हमने फैसला कर लिया है और हम इसे बदल नहीं सकते। इनफैक्ट हम अभी हमारे चेयरमैन से मिलकर आ रहे हैं, वो भी हमारे फैसले से सहमत है। इट्स बिकम अ पॉलिसी डिसीजन। अरे लेकिन सर, मुझमें बुराई क्या है, क्या खामियां है मुझमें? मैंने अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है, मुझे कंपनी चलाना आता है सर। हैव फेथ इन मी। हमें आपकी काबिलियत पर शक नहीं है मिस्टर ऋषभ, आप एक अच्छे चेयरमैन जरूर फिट होंगे। सर फिर भी आप देखिए मिस्टर ऋषभ, आपको कंपनी चलाने का तजुर्बा नहीं है। देखिए खन्ना साहब, तजुर्बा ही सब कुछ नहीं होता। जब आपके बैंक ने मेरे डैडी को सपोर्ट दिया था, उनकी उम्र ही क्या थी, 22 साल के थे वो और बिल्कुल ना तजुर्बेकार। और सर मुझे तो तजुर्बा है सर, ट्रस्ट इन मी सर। मिस्टर ऋषभ, तब की बात और थी जब आपके डैडी ने कंपनी शुरू की थी, तो वो इतनी बड़ी नहीं थी। 1,00,000 रुपए लिए थे आपके डैडी ने, लेकिन आज आपकी कंपनी एक साम्राज्य बन गई। देखिए मिस्टर खन्ना, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, पर आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि। मिस्टर ऋषभ, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, प्लीज हम मजबूर हैं, हम अपना फैसला नहीं बदल सकते और बदलना भी नहीं चाहेंगे। अकॉर्डिंग टू अस, मिस्टर महेन मल्होत्रा इज द राइट कैंडिडेट। ठीक है खन्ना साहब, ठीक है, ऑल द बेस्ट मिस्टर ऋषभ, मीटिंग में मुलाकात होगी। उन्हें रिश्वत देने की कोशिश क्यों नहीं? डोंट बी स्टूपिड मेधा, मैं उन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैं पैसों का जिक्र भी करता तो वो मुझसे बात तक करने को इनकार कर देते। ऋषभ मल्होत्रा, यू आर अ ब्लडी फेलियर, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा मैं। तो वो भी क्यों छोड़ देते हो, क्यों हमेशा हारने का डर रहता है तुम्हें? अगर आज मैं इलेक्शन हार गया तो मैं ये सब छोड़कर चला जाऊंगा। फिर वही बात, इलेक्शन हो चुका, आप इलेक्शन हार भी गए, नहीं ना, तो फिर परेशान होने की जरूरत क्या है? तुम इस दुनिया को नहीं जानती, यहां पर कितनी जिल्लतें सहनी पड़ती है इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। तो उस रिश्तेदार सब अपना मुंह फेर लेते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं और सब के सब इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि तुम अपनी हार कभी ना भूल पाओ। एक हारे हुए इंसान को उसकी नाकामयाबी का एहसास दिलाते रहते हैं ये लोग, ये नहीं चाहते कि तुम कभी सफल हो, कभी ऊपर उठो, क्योंकि अगर तुम ऊपर उठ गए तो किसी को गिरना होगा। मेरा दिस इज अ जंगल, सबके सब जानवर। आई डोंट थिंक सो, इंसान और जानवर में बहुत फर्क है ऋषभ, इसीलिए परिवार का महत्व बढ़ता है, परिवार का साथ हमें दोबारा लड़ने की शक्ति देता है। तुम अकेले कहाँ हो, हम सब तो तुम्हारे साथ हैं। हम सब कौन? अरे मेरे परिवार में है कौन? एक बूढ़ी माँ जिसे शराब की बोतल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अरे कौन है मेरा? तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती। अगर लगती हो भी तो क्या फायदा, कुछ ही दिनों में तुम भी चली जाओगी कलकत्ता, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, मैं कलकत्ता नहीं जा रही हूँ, आई हैव रिजेक्टेड माय प्रमोशन। मेरा क्यों? लेकिन बस यूँ समझ लो कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने मेरी वजह से प्रमोशन रिजेक्ट किया? तुम्हारी वजह से। I don't know what to say. शीला, इतने दिन हो गए तुम्हें यहां आए, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। क्या करोगी, क्या फायदा होगा उसे? मैं जानना चाहता हूं शीला, तुम्हारी जैसी खूबसूरत हसीन लड़की ने अब तक शादी नहीं की, और अगर की तो देखो ना, तुम्हें अपना समझकर मैंने अपने बारे में तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम्हारे अतीत के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसी बात नहीं है महेंद्र। ओके शीला, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो। नहीं महेंद्र, सच पूछो तो बहुत सालों बाद पहली बार किसी से अपना दुख बांटने को जी कर रहा है, पर अपने आप को रोकना चाह रही हूँ। दुख? और वो दुख तुम मुझे बताना नहीं चाहती, क्यों?
तुम्हारी अपनी परेशानियां हैं। थोड़ी देर बाद इलेक्शंस होने वाले हैं और ऐसे में मैं अपना दुखड़ा सुनाकर तुम्हारे दिल का बोझ और बढ़ाना नहीं चाहती। तुम्हारा इस चुनाव में जीतना ज्यादा जरूरी है। योर इलेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। यू आर रॉन्ग शीला, तुम मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। तुम मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखती हो। आई रियली केयर अबाउट यू। तो किसे वोट करने का इरादा है? जरा इंतजार तो करो सूरज, कल अखबारों से पता चल जाएगा। बिग डील, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अखबार का इंतजार क्यों करूं? अच्छा, अगर इतनी छोटी सी बात है तो फिर जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे? मत बताओ। वैसे भी मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्री से क्या लेना देना, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक सलाह देना चाहता था। अच्छा, मुझे जल्दी बताओ क्या है तुम्हारी सलाह। देखो स्वेतलाना, तुम्हें जिसे वोट करना है करो, लेकिन पैसे दोनों पार्टियों से जरूर वसूल कर लेना। क्या मतलब? उफ़, इतना भी नहीं समझती? मतलब ये कि महेन और ऋषभ दोनों से कहो कि तुम उन्हीं के लिए वोट करोगी और इसके लिए तुम चार्ज करोगी। उसके बाद तुम्हारी मर्जी जिसके लिए वोट करो या फिर किसी के लिए मत करो। सॉरी, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती हूँ। हमारे देश की जनता भी तो यही करती है, इलेक्शन के वक्त हर एक पार्टी से मुंह मांगा फायदा उठाती है और फिर वोट जिसे चाहे उसे करती है। लेकिन मैं आम जनता में से नहीं हूँ, मैं उनसे जरा अलग हूँ। ओके, आई एम रेडी। हेलो स्वेतलाना। हेलो निशी। इनसे मिलो, दिस इज सूरज प्रकाश ठापर। ये है निशी मल्होत्रा, महेन मल्होत्रा की पत्नी। हाउ डू यू डू? अच्छा, आज यहाँ कैसे? मीटिंग के लिए जा रही थी, सोचा तुम्हारा वर्कशॉप तो रस्ते में है ही, तुम्हें लिफ्ट देती चलो। इलेक्शन के लिए आ रही हो ना? ऑफ कोर्स आ रही हूँ, तो चलो। नहीं, ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निशी, लेकिन मैं अकेले जाना पसंद करूंगी। डोंट बी स्टूपिड यार, दोनों एक ही जगह तो जा रहे हैं, इतना पेट्रोल फूंक के क्या फायदा। चलो, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इलेक्शन में खड़े उम्मीदवार की गाड़ी में जाना नहीं पसंद करूंगी। ओह गॉड, ये कोई पार्लियामेंट्री इलेक्शन थोड़ी हो रहा है यार, कम ऑन। फिर भी ठीक है, एज यू विश। बाय द वे, आपकी पत्नी का नाम रेनू तो नहीं? जी, आप उसे जानती हैं? ऑफ कोर्स, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओह आई सी। वैसे रेनू मुझे कह रही थी कि कई दिनों से आप ऑफिस के लिए तो रवाना होते हैं लेकिन ऑफिस में मौजूद नहीं रहते। बेचारी काफी परेशान थी कि आप अपना वक्त कहाँ बिताते हैं। आज मुझे तो पता चल गया। खैर कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे नहीं बताऊंगी। बाय बाय। बाय। मैं एक अनाथ हूं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप कौन है। बचपन से ही अनाथ आश्रम में रही। 20 साल की उम्र में मैंने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद ही एक बड़े फर्म में मुझे स्टेनो की नौकरी मिली। कुछ ही महीनों बाद एक हैंडसम नौजवान उस फर्म में मैनेजर बनकर आया, अविनाश, MBA एंड वेरी ब्रिलियंट। उसे देखते ही मैं उसे चाहने लगी, यू नो, इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। तो क्या तुम दोनों की शादी हुई? हाँ हुई, 1 साल बाद। मुझे लगा मैं बहुत खुशनसीब हूँ, शादी के 1 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके बाद मेरी दुर्दशा शुरू हुई। कैसे? अविनाश चाहता था कि मैं माँ बनूं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मैं माँ ना बन सकी। डॉक्टर्स, टेस्ट, इलाज सबके बाद पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं एक बांझ हूं, अब बैरन वुमन, यू नो। ओह नो, फिर क्या हुआ? अविनाश को जैसे ही पता चला वो बिल्कुल टूट गया। मैं समझ सकती थी, उसे बच्चों से बहुत लगाव था, वो बाप बनना चाहता था, फिर वो अभी हवी ना रहा। रोज शराब पीना, देर रात को घर आना, मारपीट करना, धीरे धीरे हमारी शादी टूटती गई। बट दैट इज वेरी अनफेयर, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ये तो
कुदरत का खेल है शिल्पा। लेकिन उसे कौन समझाता? कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि वो किसी और औरत के साथ वक्त गुजार रहा है। मैं फिर भी चुप रही। फिर एक दिन वो तलाक के कागजात लेकर मेरे पास आया। मैंने बिना कुछ कहे वो कागजात साइन किए और घर छोड़कर अनाथ आश्रम चली गई। तुम्हारा डाइवोर्स हुआ? पता नहीं, मैंने जानना जरूरी भी नहीं समझा। एक साल बाद पता चला कि उसने उस औरत से शादी कर ली। जाहिर है तलाक हो ही गया होगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम ये पब्लिक रिलेशंस की फील्ड में कैसे आई? अनाथ आश्रम में दिन रात रोती रहती, किसी से बात नहीं करती। वहां एक सिस्टर फिलोमिना थी। उन्होंने एक दिन मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे डांटने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, शादी करना ही एक मकसद नहीं है औरत का। उन्होंने मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहने की सलाह दी। उनकी एक बहन न्यूयॉर्क में रहती थी, जिसे गवर्नेंस की जरूरत थी बच्चों की देखभाल के लिए। उन्होंने मुझसे न्यूयॉर्क जाकर कुछ दिन उनके पास रहने के लिए कहा। तुमने उनकी सलाह मानी? हाँ, और अच्छा ही हुआ। यू नो, न्यूयॉर्क एक बहुत ही अजीब शहर है। उसके जादू ने मुझे एक अलग ही औरत बना दिया। वहीं के एक इंस्टीट्यूट में मैंने पब्लिक रिलेशन का कोर्स किया और तुरंत ही मुझे एक बड़ी फर्म में नौकरी मिल गई। उसके बाद मुझे काम के अलावा और कुछ नहीं सोचता था। मैं बहुत खुश थी। पैसा, गाड़ी, तरक्की सब हासिल की मैंने। देखते देखते 6 साल बीत गए। फिर तुम वो सब छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? एक दिन जब मैं अचानक ऑफिस पहुंची तो देखा बॉस के साथ अभी बैठा था। What? वो इंडिया छोड़कर उसी फर्म में नौकरी करने के लिए वहां आया था। I see. इसलिए तुम वो नौकरी छोड़कर यहाँ भारत चली आई? जो जख्म इतनी मुश्किल से भरे थे वो फिर हरे हो गए। उसने ऑफिस में मेरा जीना दुभर कर दिया, इसलिए मैंने इस्तीफा देकर भारत चली आई। 6 महीने बाद मेरे नसीब में तो शायद सूखी था ही नहीं। सैड, वेरी सैड। काम डाउन शीला, रिलैक्स। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इधर कम यहां। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। There'll be no problem. I promise you. My poor little girl. इसीलिए मैं कहती थी कि तुमसे बात करने से मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। बहुत अपनापन है तुम में। सर, क्या बात है? ताऊजी ने कहा है मीटिंग का वक्त हो क्या, आपको मीटिंग में बुलाया। ठीक है, तुम चलो, हम अभी आते हैं।